हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको बताएंगे डीसी मशीन, और डीसी मशीन में आज आपका टॉपिक है इंटरपोल। डीसी मशीन में आज आपका टॉपिक है इंटरपोल। तो इंटरपोल के बारे में पूरी विस्तार से हम जानकारी देंगे आपको कि इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल को आप स्थापित कैसे करते हैं, इंटरपोल ठीक, तो इंटरपोल को स्थापित कैसे करते हैं सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, तब आपको समझ में आएगा, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, अभी तक आपने इंटरपोल के बारे में सिर्फ नाम सुना, लेकिन आज उसकी पूरी आपको डिटेल बताई जाएगी, उसकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बताई जाएगी। आखिर इंटरपोल होता क्या है, इंटरपोल आपके मोटर में कैसे स्थापित करते हैं, जनरेटर में कैसे स्थापित करते हैं, जनरेटर में इंटरपोल के होने की क्या दशा होती है, कैसे हम स्थापित करते हैं, और मोटर में हम इंटरपोल को कैसे स्थापित करते हैं। ठीक, जब तक आप पेन और कॉपी लेके नोट नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको नॉलेज रखना है, चीज़ों को याद करना है, कंपटीशन बीट करना है, तो पहले आप पेन कॉपी लीजिए और नोट करते रहिए और चीज़ों को याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए, दो कंडीशन होती है जो हमारा इंटरपोल होता है, अंतः ध्रुव इसको बोलते हैं, अंतः ध्रुव जो हमारा होता है, एक मोटर में भी हम स्थापित करते हैं, जनरेटर में भी स्थापित करते हैं इंटरपोल। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको दोनों बताते हैं कि मोटर में कैसे स्थापित करते हैं, जनरेटर में कैसे स्थापित करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि हम इंटरपोल को जनरेटर में कैसे स्थापित करते हैं, मोटर में देख रहे हैं। पहले तो देखिए फिगर, फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जनरेटर के घूमने की डायरेक्शन है, और ये आपके किसकी घूमने की डायरेक्शन है, मोटर के घूमने की डायरेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम बता रहे हैं आपको मोटर ठीक, मोटर के घूमने, मोटर आपका कैसा घूम रहा है, ये आपका मोटर घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुइयों की दिशा में। अब देखिए क्लॉकवाइज में आपका है यह इंटरपोल और यह आपका है मेन पोल। ठीक, तो इंटरपोल और मेन पोल, देखिए आपका जब मोटर घूमता है तो पहले कौन सा पोल आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा पोल आ रहा है, इसमें पोल का जो नेचर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो हमारे कंपनसेटिंग बाइंडिंग जो हमारा इंटरपोल होता है मोटर में जो हमारा स्थापित किया जाता है, देखिए पहले अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, तो पहले आपका इंटरपोल का कौन सा पोल आ रहा है, यन आ रहा है। ठीक, यन पोल आ रहा है मोटर के कंडीशन में, फिर क्या आ रहा है, यस आ रहा है, यस मतलब मेन पोल का यस आ रहा है, फिर आपके इंटरपोल का क्या आ रहा है, यस आ रहा है, फिर आपके मेन पोल का क्या आ रहा है, यन आ रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब हमारा मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो सबसे पहले इंटरपोल का यन मिल रहा है, उसके जस्ट बाद मेन पोल का साउथ मिल रहा है, फिर उसके बाद इंटरपोल का साउथ मिल रहा है तो मेन पोल का आपका नॉर्थ मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा हमारे मोटर में इंटरपोल और मेन पोल होते हैं, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थापित किए जाते हैं। विपरीत स्थापित करने का मतलब है, पहले देख रहे हैं यन है, इंटरपोल का यन है तो मेन पोल का यस हो जा रहा है, और फिर इंटरपोल का यस है तो मेन पोल का आपका यन हो जा रहा है। यह आपकी किसकी होती है, मोटर की कंडीशन में ऐसा हो रहा है। ठीक, दूसरा जो हमारा इंटरपोल होता है वह कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो इंटरपोल दो मेन पोल है, दो मेन पोल के बीच में इंटरपोल स्थापित किया जाता है, इंटरपोल स्थापित किया जाता है, दो मेन पोल के बीच में इंटरपोल स्थापित किया जाता है। लेकिन अब यही आपके जो दोनों मेन पोल है, जनरेटर की कंडीशन में दो मेन पोल अलग होंगे और मोटर की कंडीशन में दो
जो मेन पोल है वो अलग होंगे। तो मोटर की कंडीशन में आप देख रहे हैं दो मेन पोल कौन कौन से, नॉर्थ साउथ के बीच में फिर नॉर्थ आ रहा है, फिर साउथ नॉर्थ के बीच में साउथ आ रहा है, मतलब दो विपरीत मेन पोलों के बीच में यन है, दो विपरीत। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें मोटर में, तो मोटर में नॉर्थ साउथ मतलब विपरीत पोल एक साथ स्थापित किए जाते हैं, विपरीत पोल एक साथ स्थापित किए जा रहे हैं, नॉर्थ उसके बाद मेन पोल का साउथ, फिर साउथ का मेन इंटर पोल का साउथ है तो मेन पोल का नॉर्थ है। अब यही चीज हम जनरेटर में आपको बताते हैं। देखिए जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में एसी का उल्टा हो जाता है। देखिए जनरेटर की कंडीशन में, ये आपका जनरेटर है, तो जनरेटर की कंडीशन में फिगर देखिए और देखिए एंटी क्लॉकवाइज जनरेटर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में इधर। तो अब देखिए यह हमारा है इंटर पोल और यह हमारा है मेन पोल, ये आपका इंटर पोल का है और एक मेन पोल का, ठीक। तो आप देखिए घूमने की डायरेक्शन में कौन कौन से पोल आ रहे हैं, तो पहले आप इंटर पोल का मानिए कि इंटर पोल का देख रहे हैं यस आ रहा है, यहाँ पे इंटर पोल का यस आ रहा है तो मेन पोल का भी यस आ रहा है, लेकिन यही मोटर में उल्टा हो गया था। अगर मोटर की कंडीशन होती तो यहाँ पे यस आता तो यहाँ पे यन आ जाता है, ठीक। लेकिन जनरेटर में क्या हो रहा है, जो हमारा मेन पोल है और इंटर पोल है दोनों एक समान पोलैरिटी रखते हैं, मेन पोल और इंटर पोल दोनों एक समान पोलैरिटी रखते हैं, लेकिन जो हमारा मोटर में व्यवस्था होती है दोनों विपरीत पोलैरिटी रखते हैं, अर्थात मेन पोल और इंटर पोल। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारी कंडीशन है कि फिर हमारा क्या आ रहा है, इंटर पोल का यन आ रहा है, इंटरपोल का यन, फिर आपके मेन पोल का यन आ रहा है, ठीक। अर्थात आप देख रहे हैं समान नेचर के आपके पोल हो बन रहे हैं, जनरेटर में आपके समान नेचर के पोल बन रहे हैं, इंटरपोल का यस तो मेन पोल का भी यस बन रहा है, इंटरपोल का यन तो मेन पोल का भी यन बन रहा है। लेकिन यही मोटर में क्या हो रहा था भाई, मोटर में इंटर पोल या आपका मेन पोल, तो इंटर पोल का देखिए, इंटर पोल का क्या हो रहा है यहाँ पे यन, तो आपका यन, और साउथ पोल मेन पोल का, मेन पोल का आ रहा है आपका साउथ, ठीक। फिर इंटर पोल का क्या आ रहा है यस, ये देखिए ना ये मोटर ऐसे घूम रहा है तो यस आ रहा है, फिर मेन पोल का क्या आ रहा है यन आ रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, जो अपोजिट और ये आपके दोनों सेम, तो जनरेटर में जो इंटर पोल होता और मेन पोल होता वह एक दोनों एक सेम पोलैरिटी में होते हैं, लेकिन जो मोटर में होता है इंटर पोल और मेन पोल ये दोनों आपके अपोजिट पोलैरिटी में होते हैं। तो इस डायग्राम से आपका सारा क्लियर हो रहा है। अब बात आती है कि इंटरपोल कैसा होता है। देखिए इंटरपोल जो आपका है, इंटरपोल को हम इंटरपोल, अब इंटरपोल आपका बनाया कैसे जाता है, जो इंटरपोल होता है यह आपका पोल तो देख रहे हैं पोल की साइज कम होती है, इंटर पोल की साइज कम है, इंटर पोल की साइज कम होती है। दूसरा इंटर पोल को कहां पे स्थापित किया जाता है, तो इंटर पोल को दो मेन पोल के बीच स्थापित किया था। अभी अलग अलग कंडीशन होती है कि जनरेटर में दो मेन पोल कैसे होते हैं या मोटर में दो मेन पोल कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेन पोलों के बीच में स्थापित किया जाता है इंटर पोल, और जो इंटर पोल हमारा होता है इस पे जो बाइंडिंग होती है देख रहे हैं ये आपकी कॉपर की होगी, और यह जो कॉपर की जो बाइंडिंग होती है वो थिक होती है, थिक का मतलब मोटे तार तथा कम टर्न की। जो आपके इंटरपोल पे बाइंडिंग होगी वो मोटे तार तथा कम टर्न की होती है, प्लस जो बाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के
बाइंडिंग क्या होती है, जो आपकी बाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। किसके आर्मेचर के कहाँ पे कनेक्ट होती है, तो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। इसके बाद हम आगे आपको दिखा रहे हैं जो दूसरा डायग्राम है। देखिए यहाँ पे ये डीसी मोटर की बात की जा रही है, यहाँ पे डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में देख रहे हैं अपोजिट पोलैरिटी हो रही है, इंटरपोल मेन पोल अपोजिट पोलैरिटी, फिर मेन पोल इंटरपोल अपोजिट पोलैरिटी हो रहा है। अगर यही जनरेटर होता तो सेम पोल होता है। अभी हम जनरेटर का भी आपको डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा इंटरपोल है वह आर्मेचर के सीरीज क्रम में देख रहे हैं, एक बाइंडिंग यहाँ से आई है ऐसे इंटरपोल, फिर ऐसे आपके, फिर यहाँ से ऐसे, फिर आपके ऐसे, मतलब कि मेन पोल की जो आपके इंटरपोल की बाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के कैसे होती है, सीरीज में होती है, ठीक। अब इसमें आपके जनरेटर की कंडीशन में होता है कि जनरेटर की कंडीशन में, जनरेटर के भी कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये आपके जनरेटर की कंडीशन का डायग्राम, ये डायग्राम जो है किसका है, जनरेटर देख रहे हैं, जनरेटर में ये नॉर्थ है, ये आपका मेन पोल है, फिर ये आपका साउथ इंटरपोल है, तो दोनों सेम पोलरिटी में, फिर मेन पोल ना साउथ है, ठीक है, मेन पोल साउथ है, तो एक अच्छा इधर का इस घूम रहा है ना, तो आपका मेन पोल इंटरपोल, मेन पोल इंटरपोल देख रहे हैं, मेन पोल और इंटरपोल साउथ में, फिर आपके मेन पोल और इंटरपोल आपके नॉर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जनरेटर का डायग्राम है और ये आपका मोटर का है। मोटर में देख रहे हैं इंटरपोल और मेन पोल दोनों क्या है, नॉर्थ साउथ विपरीत है, फिर आपके इंटरपोल और मेन पोल, इंटरपोल आपका साउथ में है, मेन पोल आपका नॉर्थ में विपरीत में है। तो अब यहाँ पे आपका जो जनरेटर में होता है इसको हम लगाते क्यों हैं, जनरेटर में मेन पोल स्थापित करने का मतलब होता है कि हम रिएक्टेंस वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए आप स्थापित करते हैं मेन पोल, क्या स्थापित करते हैं, इंटरपोल। रिएक्टेंस वोल्टेज को निगलेक्ट करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा यह आपके इंटरपोल की बाइंडिंग में जो धारा की डायरेक्शन होती है और आर्मेचर ये आपके इंटरपोल की करंट की डायरेक्शन है और यह आपके आर्मेचर की करंट की डायरेक्शन है। तो देखिए इंटरपोल में एक आपका ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम कम्यूटेटिंग ईएमएफ या रिवर्सिंग ईएमएफ, रिवर्सिंग ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक। यह आपके जनरेटर की बात हो रही है, जनरेटर या किसकी बात हो रही है, जनरेटर की बात हो रही है। तो दोनों के आपके इंटरपोल की जो करंट होती है और आर्मेचर करंट दोनों की विपरीत डायरेक्शन होती है। दूसरा दोनों में जो विपरीत ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो आपका इंटरपोल की बाइंडिंग का जो ईएमएफ है उसको हम रिवर्सिंग ईएमएफ या कम्यूटेटिंग ईएमएफ कहते हैं और यह आपके रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म कर देता है। जो इस आपके इंटरपोल का ईएमएफ होता है रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म कर देता है, जिससे हमें न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें स्पार्कलेस कम्यूटेशन
स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है। तो पहला, इंटरपोल का प्रयोग करने से हमें क्या होता है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन अर्थात ब्रश पर स्पार्किंग नहीं होती है। उस ब्रश पर स्पार्किंग को खत्म या कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हम इंटरपोल का पोल को स्थापित कर रहे हैं तो हमारा जो है, अगर लोड को 20 से 30% तक भी बढ़ा देते हैं, लोड को 20 से 30% तक भी बढ़ा देते हैं, तब भी हमारा स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होगा। कब? जब हम स्थापित करेंगे इंटरपोल। जनरेटर में हम स्थापित करेंगे इंटरपोल तो हमारा 20 से 30% एक्स्ट्रा लोड होने पर भी स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होगा। ठीक, और स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इंटरपोल। दूसरा, जो इंटरपोल होता है, अगर एक आपकी मशीन इंटरपोल मशीन एक इंटरपोल मशीन और एक नॉन इंटरपोल मशीन, देखिए जो आपकी इंटरपोल मशीन होती है या आपके इंटरपोल मशीन आपकी सस्ती भी होती है, और नॉन इंटरपोल मशीन आपके या आपके कॉस्टली होती है और यह आपके चीफ होती है। ठीक, और ये इंटरपोल मशीन की साइज भी स्मॉल होती है और इसकी साइज नॉन इंटरपोल मशीन की साइज आपके बिग या लार्ज होती है। ठीक, तो आप पहला आपको समझ में आ गया, पहला यूज क्या है, पहला यूज आपके है कि इंटरपोल का हम यूज करके क्या कर पा रहे हैं, इंटरपोल का यूज करके हम स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त कर रहे हैं और 20 से 30% एक्स्ट्रा लोड होने पर भी हमारे ब्रश पर स्पार्किंग नहीं हो रही है। दूसरा, जो हमारा इंटरपोल का हम प्रयोग कर रहे हैं, इंटरपोल का प्रयोग करने का हमारा दूसरा पर्पज है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करना। ठीक, आर्मेचर रिएक्शन को भी कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा से आपको बता रहे हैं कि आपका इंटरपोल कैसे आपकी आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। ठीक है, देखिए इंटरपोल को हम ऐसे स्थापित करते हैं जनरेटर में, जनरेटर में ऐसे आपका हो गया इंटरपोल, यह आपका हो गया मेन पोल, यह आपका ये भी आपका हो गया मेन पोल, ये भी आप ये आपका क्या हो गया इंटरपोल। ठीक, ये आपका एन होगा तो ये आपका एस होगा। अब यहाँ पे ये आपका एन और ये आपका एस, क्योंकि पोलरिटी सेम आपको रखनी है। अब यहीं पे बीच में आपका क्या है, बीच में आपका है आर्मेचर, बीच में आपका आर्मेचर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होता है, आर्मेचर से आपके, अब यहां से हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आपका AOF ABC। ठीक, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यह जो डायग्राम आपको दिखाया गया, जैसे यह आपके है कि नॉर्थ से, ये आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है और कहाँ पे जा रहा है, साउथ में जा रहा है। तो OF की डायरेक्शन जो दिखा रही हूँ क्या है, मेन फ्लक्स है क्योंकि मेन आपके हैं। और जो आपका BC है, BC का मतलब है
कि मेन जो इंटरपोल से फ्लक्स निकल रहा है तो आपका किस कौन से दिखा रहा है, बीसी को बीसी दिखा रहा है, और जो आपके आर्मेचर से फ्लक्स निकल रहा है वह आपके कौन दिखा रहा है, ओए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओए निकल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यह आपका जो इंटरपोल है ये आपके मेन पोल है, और यहाँ से आपका आर्मेचर का फ्लक्स निकल रहा है। तो जो आपका इंटरपोल का फ्लक्स है ये आपका इंटरपोल फ्लक्स, इंटरपोल का जो फ्लक्स है अब यहाँ से ऐसे टकरा रहा है ना, तो ऐसे टकराने का मतलब है कि अब ये किसको इसको क्या करेगा, इस मेन पोल के रास्ते को ऐसे मोड़ देगा, तो मेन पोल के रास्ते को मोड़ देगा, अर्थात यह आपका क्या हो जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइज कर दे रहा है। इंटरपोल जो होता है, इंटरपोल का जो आपका फ्लक्स है आर्मेचर मेन फ्लक्स को इसके रास्ते को बदल दे रहा है, अर्थात इसके रास्ते को क्रॉस कर दे रहा है। तो क्रॉस करने का मतलब क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरपोल। देखिए आप इसको इंटरपोल को इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है, क्यों यहाँ पर स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ से आपका ऐसे सीधे फ्लक्स निकले, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकले, ठीक है। और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलेगा तभी आपका तभी आपका जो है क्रॉस हो पाएगा। अब यहीं पे अगर हम पोलरिटी चेंज कर दें, मान लीजिए इसको यस कर दें और इसको यन कर दें, तो फिर देखिए क्या होता है, जब हम पोलरिटी चेंज कर देंगे अब यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है नॉर्थ से, ठीक, तो अब आपके फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, बीसी की जो डायरेक्शन है ऐसे हो जाएगी, अर्थात अब जो है आपका दोनों जुड़ जाएगा। क्या दोनों जुड़ने का मतलब क्या है, जो आपके आर्मेचर का फ्लक्स है और आपके इंटरपोल का फ्लक्स, दोनों फ्लक्स आपका जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस फिर आपका क्रॉस मैग्नेटाइज या आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा पोल रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे रखते हैं साउथ पोल, ठीक। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप साउथ और नॉर्थ नहीं रखते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ, अगर यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ रखेंगे तो दोनों फ्लक्स क्या होंगे, आर्मेचर का फ्लक्स और इंटरपोल का फ्लक्स जुड़ जाएगा, ठीक। तो इसका हम दो पर्पस के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एक तो यह होता है कि यह रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है जिससे कि आर्मेचर ब्रश पर हमें स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त होता है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन 20 से 30% ओवरलोड होने पर भी स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिलता है, और दूसरा है कि यह आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।